इटावा थाना क्षेत्र की गेता चंबल पुलिया के नीचे 17 दिसंबर 2020 को एक महिला का बेडशीट में लिपटा हुआ शव मिला था, जिसके बाद महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसके लिए कोटा एसपी शरद चौधरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा, एसएचओ बजरंगलाल व सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह रामबरोस, हेड कांस्टेबल बनवारी की टीम का गठन किया गया। इसके बाद इस टीम को इस तरह की हुलिये की महिला सवाईमाधोपुर कोतवाली से फरारी होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने जांच की तो महिला की शिनाख्त मौसमी मीणा के रूप में उसके पिता ने की। इसके बाद इसके पति नरेश से जानकारी ली तो वह इधर उधर की कहानियां बनाता रहा, लेकिन टीम के सामने उसने हत्या कर शव बेडशीट में बांधकर नदी में फेंकना स्वीकार कर लिया। सवाईमाधोपुर में जहाँ ये रहते थे वहीं मौसमी के मौसा भी रहते थे। मौसमी के पति को मौसमी के और उसके मौसा के अवैध संबंध का संदेह था। इसको लेकर हुए झगड़े में उसने गला दबाकर हत्या कर दी। इटावा पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हाड़ौती न्यूज के लिए इटावा से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।